हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सभी को बोलता है अब इस टेस्ट को देने के लिए कौन आना चाहता है। इस पर ये डिसाइपर बोलता है मैं जाऊँगा। इसके बाद वो इस क्रिस्टल के पास आकर अपनी पावर का यूज करने लगता है और वो उससे इस क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इस क्रिस्टल की पावर बढ़ने लगती है। लेकिन वो एक जगह पर जाकर रुक जाती है, जिसे देखकर ये लड़का थोड़ा सा उदास हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे वो सभी इस डिसाइपल की बेइज्जती करने लगते हैं कि जितने भी लोग नॉर्थन इसका रीजन के फार्मासिस्ट हैं, उन लोगों से हम लोगों ने जैसा एक्सेप्ट किया था वो लोग बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। इस बात को सुनकर ये डिसाइपल मन ही मन में बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद वो अपने साथियों के पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पर पवेलियन मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर कई तरह की बातें बोल रहे थे। लेकिन तभी ये लड़की आगे की ओर आ जाती है और वो बोलती है मैं इस टेस्ट को देने के लिए जाना चाहती हूँ। इसके बाद वो इस क्रिस्टल के पास आ जाती है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और इस लड़की की पावर बहुत ही ज्यादा थी और इसके बाद वो उससे इस क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से इस क्रिस्टल का पावर कंटिन्यू बढ़ने लगता है। और फाइनली इस लड़की ने कुछ दिन मेहनत करने के बाद इस टेस्ट को पास कर लिया था क्योंकि इस क्रिस्टल के पीक तक इसकी पावर पहुंच चुकी थी। इस चीज को देखकर ये एल्डर यहाँ पर सभी को बता देता है कि इस लड़की ने 80 फ्लोर को क्रॉस कर दिया है। इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो अपने साथियों की ओर जाने लगती है, जहाँ पर कुछ डिसाइपल इस लड़की को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये आपस में बात करने लगते हैं कि केवल 10 ही लोगों ने 80 फ्लोर को क्रॉस किया है, तो आखिरकार ये लड़की है कौन। तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अगले डिसाइपल को इस टेस्ट को देने के लिए यहाँ पर बुलाने लगता है। इस पर ये लड़का जिसका नाम गु चेंगफेंग होता है वो इस टेस्ट को देने के लिए आगे चला जाता है। इस चीज को देखकर ये डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो मास्टर गु चेंगफेंग है जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। इधर गु चेंगफेंग ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो उससे इस पिलर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद भी गु चेंगफेंग 70 लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से गु चेंगफेंग इस टेस्ट में फेल हो जाता है। और ऐसे ही यह टेस्ट बहुत टाइम तक इस जगह पर चलते रहता है जहाँ पर ज्यादातर डिसाइपल इस टेस्ट में फेल हो गए थे क्योंकि इस क्रिस्टल के पीक तक कोई भी पहुंच नहीं पा रहा था। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर होली सन आगे की ओर आ जाता है और होली सन ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर इस क्रिस्टल के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इस क्रिस्टल की पावर एक्टिवेट हो जाती है और फाइनली होली सन ने यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लिया था। इस चीज को देखकर कुछ डिसाइपल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि होली सन 81 फ्लोर तक पहुंच चुका था। इस बात को सुनकर होली सन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद खुशी खुशी वो अपने साथियों के पास चला जाता है। इसके बाद ये लड़का इस टेस्ट को देने के लिए आ जाता है और वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर इस पिलर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पिलर के अंदर में कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इस लड़के ने भी फाइनली इस टेस्ट को पास कर लिया था। इसके बाद एल्डर सभी को यहाँ पर बताने लगता है कि जिस किसी ने भी इस टेस्ट को पास कर लिया है वो अगले कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर हुआ बिल्कुल तैयार हो जाए। तभी गु चेंगफेंग इस एल्डर को बताने लगता है कि हम लोगों के नॉर्थन स्काई रीजन में अभी भी कुछ डिसाइपल ने इस टेस्ट को नहीं दिया है। इस बात को सुनने के बाद यह एल्डर भी अपनी यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू कर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि जगह पर अभी भी एक डिसाइपल ने इस टेस्ट को नहीं दिया है, इसलिए वो इस डिसाइपल को बाहर आने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर ये डिसाइपल बाहर निकल कर नहीं आता है, जिसकी वजह से गु चेंगफेंग सभी को बता देता है कि वो लड़का और कोई नहीं यहाँ पर चेंगसाओ है जिसने इस टेस्ट को नहीं दिया है। तभी ये एल्डर चेंगसाओ की ओर देखने लगता है क्योंकि चेंगसाओ की उम्र बहुत ही ज्यादा कम होती है, इसलिए यहाँ पर जितने भी डिसाइपल और लोग आए हुए होते हैं वो सभी चेंगसाओ के बारे में कई तरह की बातें बनाने लगते हैं कि यह लड़का तो बहुत ही ज्यादा छोटा है और मुझे नहीं लगा था कि यह लड़का यहाँ पर इस टेस्ट को देने के लिए आया है और मुझे यहाँ पर डर लग रहा है कि इतने ज्यादा कम उम्र में शायद से यह लड़का मेडिसिन किंग बन गया है, इसलिए मुझे लगता है कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आया है। इसके बाद ये सभी यहाँ पर चेंगसाओ की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगते हैं, लेकिन पवेलियन मास्टर इन सभी की बातें को नजरअंदाज करके एल्डर को बताने लगता है कि इस लड़के का नाम चेंगसाओ है और मैं नॉर्थन स्काई रीजन के डैन पवेलियन का मास्टर हूँ। इसके बाद पवेलियन मास्टर चेंगसाओ को इस टेस्ट को देने के लिए आगे बढ़ने के लिए बोलता है, साथ ही उसे वो ये बता देता है कि तुम इस बात को याद रखना कि तुम्हारी वजह से डैन पवेलियन की नाक नहीं कटनी चाहिए। इस पर चेंगसाओ बोलता है ठीक है पवेलियन मास्टर। इसके बाद वो यहाँ पर अपना थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाकर इस टेस्ट को देने के लिए जाने लगता है और वो फाइनली इस क्रिस्टल के पास आकर अपनी थोड़ी सी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि मुझे तो नहीं लगता है कि यह लड़का अपने सपने में भी इस टेस्ट को पास कर सकता है। लेकिन चेंगसाओ इन लोगों की बातों को एकदम नजरअंदाज कर यहाँ पर अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है
जिसकी वजह से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इस क्रिस्टल के आसपास में इकट्ठा हो जाती है। और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से जो डिसाइपल कुछ देर पहले चंगसाओ की बुराई कर रहे थे, उन लोगों को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि चंगसाओ ने बहुत ही आसानी के साथ में 18 फ्लोर को क्रॉस कर लिया था, जिसे देखकर यहाँ पर ये एल्डर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन चंगसाओ यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो अपनी और भी ज्यादा पावर को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से इस क्रिस्टल के अंदर में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद इस क्रिस्टल के अंदर से यह एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी एल्डर और डिसाइपल थे उन सभी को तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चंगसाओ आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि चंगसाओ ने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हंगामा कर दिया था, क्योंकि इस क्रिस्टल के अंदर से जो लाइट निकली थी वो आसमान से भी ऊपर चली जाती है। इस चीज को देखकर इन दोनों डिसाइपल के मुंह एकदम देखने लायक थे। और दूसरी तरफ चंगसाओ अभी भी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था, लेकिन वह रुक जाता है क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों की रिएक्शन को देखकर थोड़ा सा शॉक था और वो बोलता है, मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अपनी पावर का यूज कर दिया है, जिसकी वजह से इन लोगों के मुंह एकदम देखने लायक है। लेकिन चंगसाओ इन सब बातों को साइड में कर इस एल्डर से पूछने लगता है कि क्या मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया है, लेकिन इस एल्डर के मुंह से तो कोई शब्द ही निकल नहीं रहा था, क्योंकि शायद से इस एल्डर ने भी अपनी पूरी जिंदगी में इस क्रिस्टल के अंदर में इतनी ज्यादा पावर को पहली बार देखा है। क्योंकि आप लोग इस एल्डर के फेस के रिएक्शन को देखकर समझ ही सकते हो कि इसके ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन यहाँ पर वह फाइनली चंगसाओ को बता देता है कि तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है क्योंकि तुमने 90 फ्लोर को क्रॉस कर दिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस बात को सुनने के बाद चंगसाओ भी थोड़ा सा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी बहुत ही तेजी के साथ दौड़कर इस एल्डर के पास आ जाता है और उसे बताने लगता है कि नॉर्थन स्काई रीजन के किसी डिसाइपल ने क्रिस्टल के 90 लेवल को ब्रेक कर दिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आपके बाद और किसी ने इस चीज को कर दिखाया है। इस बात को सुनने के बाद ये कल्टीवेटर बोलता है, आखिरकार उस लड़के का नाम क्या है और वो किस तरह की कल्टीवेशन करता है, क्या तुम इस चीज के बारे में हमें बता सकते हो। इस पर ये आदमी बताने लगता है कि उस लड़के का नाम चंगसाओ है और उसकी कल्टीवेशन के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन उसकी उम्र बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि मैंने सुना है कि उस लड़के की उम्र केवल 20 साल है। इस बात को सुनने के बाद इस कल्टीवेटर को अपने कानों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था और वो बोलता है, केवल 20 साल? तुम क्या यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुमने यहाँ पर मेरे नींद को भंग करने की कोशिश की है। इसके बाद इस आदमी के ऊपर वो ग्रेविटी प्रेशर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसे प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन यह आदमी बोलता है, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब कुछ बिल्कुल सही है। इस पर यह कल्टीवेटर बोलता है, ये कैसे हो सकता है कि इतना ज्यादा कम उम्र का लड़का यहाँ पर 90 लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है, और चाहे चंगसाओ कितना भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन वो आखिरकार मेरे लिए खतरा कैसे बन सकता है। लेकिन तुम्हें इस बात को याद रखना है कि तुम्हें उस कंपटीशन में नजर रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए खतरा कभी भी नहीं बन सकता है। इसके बाद वो इस आदमी को आजाद कर देता है। इस पर ये आदमी बोलता है, ठीक है मास्टर, और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।